नमस्कार, हमें विवेक का आप जुड़ चुके हैं द बीएनवाई न्यूज के साथ, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। महीनों से हम और आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई दवा नहीं, और इस बीमारी से देश नहीं देश के बाहर अन्य देशों की भी हालत बिगड़ी हुई है। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लोग अपने स्तर से अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3 झेलने के बाद लॉकडाउन 4 का भी सामना करना पड़ रहा है, जो 31 मई तक बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, धैर्य और सहनशीलता के साथ इस कोरोना रूपी बीमारी से स्वयं लड़ना होगा और लॉकडाउन का पालन करना होगा, और पूरे भारत के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पेट में लगी आग और फैक्ट्रियां बंद हो जाना, दुकानें बंद हो जाना, छोटे मोटे कारोबार बंद हो जाना, लोगों को घर छोड़ यानी जहां रहते थे भागने पर मजबूर हो गए और अपने अपने प्रदेश की रुख को अपनाया। कई लोग पैदल चले और घर पहुंच गए, कई लोग रास्ते में मर गए, कई लोग ट्रकों पर चढ़े रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए, कई लोग घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं, कई लोग घर चले आए, कई लोग श्रमिक ट्रेन पर बैठे और घर चले आए, कई लोग फंसे पड़े हुए हैं आने की मांग कर रहे हैं, कई लोग पुलिस की डंटा खा रहे हैं और कई लोग आने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि काम बंद है, रोजगार बंद है, आमदनी का स्रोत बंद है, ऐसी स्थिति में लोग यानी मजदूर और श्रमिक अपने घर में जाकर रहना उचित समझ रहे हैं। चल पड़े हजारों किलोमीटर के दूरियों को पैदल तय करने के लिए, साइकिल, रिक्शा, ठेला, टमटम, तरह तरह के उपाय लगाकर लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए जान को जोखिम में डाला। सरकार इस हालात को देखकर कुछ छूट देने का मंशा बनाया और चौथे लॉकडाउन में कहा गया कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखना है और सभी प्रकार की दुकानें खोल देने की अनुमति दी गई, समय निर्धारित किया गया जो स्थानीय जिला पदाधिकारी अपने स्तर से समय निश्चित किए और माइकिंग कराकर लोगों को बताया। गाड़ियों का शोरूम खुल चुका है, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों की दुकानें खुल चुकी है, लोग आज अपने दुकानों को खोला, साफ सफाई करते रहे, वक्त गुजर गया, दुकानें बंद हो गई, लोग घर चले आए, लेकिन बाजार के अंदर में रौनक देखी गई, आवाजाही बढ़ी है। देखा जाए तो सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व है, हिंदुओं की भी औरतों की पर्व है, जिसके कारण बाजार में चहल पहल देखी गई। पूर्व की भांति टेम्पू और बैटरी वाली गाड़ी, ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई, मगर उसमें शर्त रखी गई कि केवल ड्राइवर 2 व्यक्ति को बैठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाड़े को लेकर दिक्कत, डबल भाड़ा टेम्पू और ई रिक्शा वाले को लेना पड़ रहा है, और भी टेम्पू वाले को समस्या हुई। मेरे संवाददाता सिद्धार्थ ने पटना के अंदर में टेम्पू वाले से बात करा तो उसने कहा कि 10 की जगह 20
भाड़ा ले रहे हैं, दो व्यक्ति को बैठाते हैं, मगर पैसेंजर का अभाव है। दो महीने तक लॉकडाउन का पालन किए और जैसे तैसे जीवन को व्यतीत किए। यानी टेम्पू चालकों का और ई रिक्शा चालकों की हालत बद से बदतर है। चहल पहल बाजारों में देखी गई, हार्डवेयर की दुकानों में कुछ चहल पहल ज्यादा थी, कपड़े की दुकान भी खुल गई, साफ सफाई हो रही है, ग्राहक की कमी है, ग्राहक दूर दराज के नहीं आ रहे, दुकानदारों ने दुकान खोली है, चहल पहल बढ़ी है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो खरीदगी लोगों की होनी चाहिए, जिस प्रकार लोगों का बाजार के अंदर में सामान खरीदने की ललक होनी चाहिए, वह नहीं देखी जा रही। इसके पीछे यह भी कारण कहा जा सकता है कि लोगों की जमा पूंजी खर्च हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग खरीदगारी करने में ही चक रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन फोड़ में सरकार ने छूट दिया है। आर्थिक रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाया, कई नए नए आदेश पारित किए। अब देखना यह है कि कोरोना काल में लोग खुशहाल कब फिर एक बार होंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न भारत के व्यापारियों, आम लोगों और धंधा कारोबार करने वाले लोगों पर आ खड़ा हुआ है। हालत चरमरा गई है, चाहे देश की हो चाहे आम लोगों की हालत हो, चरमरा चुकी है। कोरोना रूपी भीषण महामारी का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। बाजार में रौनक आई है, लेकिन संतुष्टिजनक खरीदारी नहीं हो रही है। वक्त रहते देखना होगा कि आने वाला कल कैसा कल होगा, क्या व्यापारी फिर एक बार समृद्ध और सुखी हो पाएंगे, या यह दुख रूपी रूपरेखा को कुछ महीनों और सालों बर्दाश्त करना होगा। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंस को अपनाना होगा। दुकान हो या कोई भी व्यापार हो, सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखना है, यह सरकार ने भी आदेश दिया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो। और आप मेरे साथ इसी प्रकार उत्साह के साथ मेरे उत्साह को बढ़ाते हुए जुड़े रहें। धन्यवाद।